पर आज की वीडियो लेके आ गया हूँ कि जी व्हाट्सअप में अपना कोई फ्रेंड है, उसने आपको हाइड कर रखा है, उससे उस कारण किया कि हाइड कर रखा है और अपन उसके स्टेटस नहीं देख पा रहे हैं, स्टेटस नहीं देख पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है स्टेटस देखने के लिए, जीबी मान लो व्हाट्सएप ओपन किया, उसके बाद अपन को क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है और सेटिंग अप वाले आइकन पे क्लिक करके उसके बाद अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद आपको प्राइवेसी पे क्लिक करना है, प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद स्टेटस पे क्लिक करना है। इधर अपन के ओनली शेयर विथ माई कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट माई कॉन्टैक्ट्स, तो आपको क्या करना है माई कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके डन कर देना है। पहले ये ट्रिक ये कर लेनी है, उसके बाद फिर से आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आगे मैं बताऊंगा क्या करना है। अब वीडियो बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट पे फिर से क्लिक करना है और अपन को यहाँ पे इस मोड पे क्लिक करना है जी व्हाट्सअप आगे। उसके बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद अपन क्या करना है, नीचे चले जाना है हाइड व्यू स्टेटस, इसे इनेबल कर देना है आपको, इसे इनेबल कर देना। उसके बाद फ्रीज लास्ट सीन जैसे ये चल रहा है इसे बंद कर देना है। उसके बाद आगे क्या करना है मैं बताऊंगा, तो वीडियो पे बने रहिए। फिर से आपको बैक चले जाना है, फिर अपन को थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इस पर जीबी सेटिंग इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से अपन को यहाँ से दिखेगा होम स्क्रीन, होम स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद अपन इस तरह नीचे जाने के बाद यहाँ से अपन को दिखेगा स्टेटस, जहाँ पर दिखेगा स्टेटस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे चले जाना है, म्यूट अपडेट, व्यूड अपडेट्स, रिसेंट अपडेट्स, इन्हें तीनों को इनेबल कर देना है, तीनों को इनेबल कर देना है। जैसे कि इसे इनेबल कर देना है, उसके बाद थोड़ी देर फिर से इधर बैक जाना है। उसके बाद फिर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इस तरह करके फिर से हमें होम स्क्रीन पे आना है। होम स्क्रीन पे आने के बाद इसे आपको फिर से होम स्क्रीन स्टेटस पे जाना है। उसके बाद इन तीनों को ऑफ कर देना है। उसके बाद अपन को जो भी बंदा हाइड कर रखा है उसके स्टेटस अपन देख पाएंगे। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताना है, वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आगे मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।